नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणवी डांसर व सिंगर सपना चौधरी के खिलाफ पलवल में केस दर्ज हुआ है। जी हां, हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। डांसर और उनके परिवार के खिलाफ हरियाणा के पलवल में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज हुआ है। सपना चौधरी जहां एक तरफ अपने डांस से दुनिया भर के लोगों को एंटरटेन करती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस जाने अनजाने विवादों में भी फंस जाती हैं। हाल ही में डांसर और उनके परिवार वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया गया। मामला किसने दर्ज कराया, इसे लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। इसमें सपना चौधरी समेत उनकी माँ और उनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉपुलर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ फरीदाबाद के पलवल में महिला थाने में पुलिस मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में है कि सपना के परिवार वालों की तरफ से दहेज में क्रेटा गाड़ी की मांग की गई और दबाव भी बनाया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन किसी ने ये मामला दर्ज कराया है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली। फिलहाल इस केस के अंदर डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि सिंगर का विवादों से नाता गहराता जा रहा है। किसी न किसी बात पर उनका नाम सामने आ जाता है। उनके खिलाफ पहले भी शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। दरअसल साल 2018 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपना चौधरी को एक प्रोग्राम का हिस्सा बनना था और परफॉर्म भी करना था। इसके लिए दर्शक काफ़ी उत्सुक थे और 300 रुपये की टिकट भी खरीद चुके थे, लेकिन सपना चौधरी कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी। उसकी वजह से उनके काफ़ी आलोचना भी हुई और मामला भी दर्ज कराया गया। वहीं सपना चौधरी ने हरियाणा का नाम भी रोशन किया है और आज सपना चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हरियाणा में स्टेज परफॉर्मेंस देने वाली सपना चौधरी के वीडियोस जब सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हुए तो वह रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। उनके पॉपुलर सॉन्ग्स हर तरफ सुने जा सकते हैं। शादी से लेकर पार्टियों तक सपना चौधरी के गाने बजते हैं। उन्होंने हरियाणा का नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रोशन किया है और उनके चाहने वालों की अब कमी नहीं है। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी दहेज प्रताड़ना जैसे आरोप लगना कितना जायज़ है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय अवश्य दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहे समाचार क्यारी के साथ।